हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक कमाल के वीडियो में। क्या दोस्तों, आप भी सोच रहे हो कि मुझे एक स्मार्टफोन लेना है, पर आप कंफ्यूज हो कि कितने जीबी वाला लेना है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके लिए कितने जीबी रैम वाला फ़ोन बेस्ट होगा, 4 जीबी, 6 जीबी या फिर 8 जीबी। यह वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रेश टॉक्स में, और चलिए डिस्कस करते हैं ये वाले टॉपिक के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, आप सोचें कि कितने जीबी रैम वाला आपको फ़ोन लेना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर में रैम क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि रैम क्या होता है, इसका एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। तो मैं बताता हूँ उसका यूज़ क्या होता है और रैम क्या होता है। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम शॉर्ट में रैम कहते हैं। दोस्तों, इसका यूज़ होता है, ये डिवाइस है जो कि आपके फ़ोन की मेमोरी को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, ना कि टेक्निकल शब्दों में, तो दोस्तों रैम मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, उसके डेटा को लोड करते हो, तो वो रैम स्टोर कर लेता है थोड़े टाइम के लिए। जब आप उस ऐप को क्लोज करते हो कम्प्लीटली, या फिर अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो, तो वो रैम में से निकल जाता है, वो उसके बाद रैम में नहीं रहता। तो दोस्तों, जैसे कि आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग यूज़ करते हो, एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच होना, दूसरे से तीसरे ऐप में स्विच होना, तो यह सब पॉसिबल है रैम की वजह से, जो कि एकदम फास्ट प्रोसेस हो जाती है रैम के कारण। तो अगर आपने पुराने फ़ोन यूज़ किए होंगे या फिर फ़ोन की हिस्ट्री देखी होगी, तो आपको ज़रूर से पता होगा कि पहले के फ़ोन में 128 MB या फिर 512 और लास्ट लास्ट 1 GB तक की रैम आपको देखने मिल जाती थी। दोस्तों, पहले के फ़ोन में ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, पहले के एप्लीकेशन बहुत ही लाइट वेट होते थे, इतना मल्टीटास्किंग का भी यूज़ नहीं होता था। वो एप्लीकेशन 50 MB या फिर KB में होते थे, 50 MB इस मैक्सिमम होते थे तब के समय में, उससे ज़्यादा के एप्लीकेशन नहीं होते थे। पर दोस्तों, आज के समय में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, हमारे फ़ोन्स अपग्रेड हुए, हमारे ऐप की यूजेज अपग्रेड हुए, ऐप का डेटा तक की अपग्रेड हो गया, इसीलिए आज के समय में 4 GB रैम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक नॉर्मल 4 GB वाला फ़ोन लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आज के एप्लीकेशन 100 MB के हो चुके हैं, और कोई कोई एप्लीकेशन 100 MB से ज़्यादा है। 100 MB एक मिनिमम है, 100 MB, 200 MB, 500, 1.5 GB, 1 GB, जहाँ तक कि 2-2 GB तक के आपको एप्लीकेशन गेम्स देखने मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे हाई एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ही हमें हाई रैम की ज़रूरत है। दोस्तों, आजकल हर एक यूज़र यही सोचता है कि उसके फ़ोन में कम से कम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, और ये एक स्टैंडर्ड बेसिक हो चुका है हर एक फ़ोन के लिए। और दोस्तों, आजकल हर एक स्मार्टफोन कंपनी भी यही चाहती है कि उनके फ़ोन में 4 GB रैम अवेलेबल हो, क्योंकि किसी भी यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, वो एकदम ही अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएँ बिना किसी लैग के, बिना किसी हैंगिंग प्रॉब्लम के, उनका काम एकदम फास्ट हो जाए और उनके फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप एक स्टार्टिंग रेंज फ़ोन लेना चाहते हो, जैसे कि 5,000, 7,000 या फिर 10,000 का, तो आपको दो वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, 2 GB और 3 GB। दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 3 GB वाला लें, 2 GB को बाय बाय कर दें, क्योंकि आजकल एक नॉर्मल फ़ोन में जो एप्लीकेशन होते हैं वो 100 MB के होते हैं, फिर वो उसके डेटा को लोड करते हैं जिससे वो 200 से 300 MB के हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर से एक 3 GB रैम वाला ही फ़ोन लें, अगर आप एक फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट हुए हैं। आप अगर यूट्यूब चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, तो आपके लिए 3 GB रैम वाला फ़ोन बेस्ट होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल फ़ोन होगा, आपका प्रोसेस भी फास्ट होगा, और 3 GB रैम इज़ बेस्ट फॉर अ स्टार्टिंग रेंज फ़ोन। दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो, आप अपने फ़ोन में सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, और आप थोड़े बहुत अदर टास्क कर लेते हो, तो आपके लिए 4 GB वाला फ़ोन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि 4 GB में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, आप मल्टीटास्किंग यूज़ भी कर पाओगे, और आपका फ़ोन एकदम ही स्मूथ चलेगा। आप थोड़े बहुत हैवी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर पाओगे, जैसे कि 1 GB तक के हो गए, तो 4 GB रैम वाला फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा, आपको कोई भी लैग का इशू देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल गेमिंग से थोड़ी हाई गेमिंग करते हो, तो आपके लिए एक 6 GB रैम वाला फ़ोन होना ही चाहिए,
जिससे आपको ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे, आपको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, आपको मल्टीटास्किंग में भी इजी होगा, और अदर सोशल मीडिया और यूट्यूब और जो भी अदर एप्लीकेशन हैवी हैवी जैसे कि 2 GB या फिर 1.5 GB तक के, वो आप इसमें एकदम ही स्मूथ रन कर पाओगे, हैंग का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा और एकदम ही स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन मक्खन की तरह। तो आपके लिए 6 GB रैम तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे एकदम हाई कोर गेमिंग के लिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो, आप एक यूट्यूबर हो, लाइव स्ट्रीम करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही एक फ़ोन ले रहे हो, तो आपके फ़ोन में कम से कम 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, आप उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो कि एक लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, आपका गेम भी स्मूथ चल रहा है, और आपको उससे बहुत सारे फायदे होंगे, आपका फ़ोन जल्दी ख़राब नहीं होगा। 6 GB रैम भी चलेगा पर वो थोड़ा सा लैग कर सकता है, 8 GB रैम में आपका एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपके फ़ोन की प्रोसेसिंग आपके सिर्फ और सिर्फ रैम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया, आपका ऑप्टिमाइजेशन हो गया फ़ोन का, या फिर आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप हो गया। ये सभी बहुत ही मैटर करता है कि आपके फ़ोन की प्रोसेसिंग कैसी होगी। आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ या फिर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ, तो आप आईफोन यूज़ करते हो तो आईफोन में आपको 3 से 4 GB तक की रैम मिलती है, पर उसमें 8 GB रैम वाले फ़ोन से भी बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि आईफोन में उसका प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है, उसका प्रोसेसर A1 है, तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस करेगा, उसमें ज़्यादा रैम की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे यही साबित होता है कि आपका सिर्फ रैम के ऊपर फ़ोन का डिपेंडेंस नहीं होता। रैम एक बस पार्ट है, एक कंपोनेंट है फ़ोन डिवाइसेस के लिए। प्रोसेसर, बैटरी बैकअप, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप वो सब भी जानना चाहते हो कि आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके फ़ोन में और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए कि यस वी वॉन्ट पार्ट 2, तो मैं उस पर भी ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। जाइए जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, यस वी वॉन्ट पार्ट 2, जाइए जाइए जल्दी कर दीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ बनिए हमारे फैमिली का हिस्सा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेज टॉक्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलता रहे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर से बताइए, मैं उसे ज़रूर से सॉल्व करके दूंगा आपको। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, करेंगे कोई नई ट्रिक को एक्सप्लोर, कोई नए टॉपिक पर डिस्कशन। तो बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।